गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, रिसेंटली जी समिट 2023, ठीक है, ये हुआ था हिरोशिमा जापान में, राइट बच्चों? हिरोशिमा वही जगह है जहां पे न्यूक्लियर अटैक किया था यूएसए ने, तो उसी जगह पे G7 का समिट अभी हुआ था 19 से लेके 21 मई को, ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन जो है, जो कंट्रीज के नाम है वो वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ट्रिक देखेंगे कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो बच्चों, उसका जो फेम बहुत अच्छा ट्रिक है वो है जूस जीएफ, जूस जीएफ, ये बच्चों इसका ट्रिक है। अब मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो कि आपको अपनी जीएफ के साथ जूस पीने जाना है, तो भैया इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, है ना? तो आप इमेजिन करो, ठीक है, जो आप मूवीज में देखते हो, ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहां पे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? जूस जीएफ, जीएफ के साथ जूस पीने जाना, ठीक है? तो जे, ठीक है, जे से सबसे पहले क्या आ गया बच्चों? जे से आ गया आपका जापान, पॉसिबल है। यूएसए, भाई साहब बिल्कुल पॉसिबल है, जाइए और पीजिए, ठीक है, जाइए और जूस पीजिए अपने जीएफ के साथ, ठीक है? आई से इटली, सी से कनाडा, हम पंजाबियों को फेमस कनाडा, ठीक है? ई से इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जीएफ का जी जर्मनी, और फ्रांस में तो बिल्कुल भाई साहब, ठीक है, राइट? तो जूस जीएफ, तो इससे आपको बहुत ही इजिली, ये वर्ड इतना कैची है कि आपको याद रहेगा कि जीएफ के साथ जूस पीने जाना है ना? इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ यहाँ जा सकते हैं, ठीक है? तो माइंड में, क्योंकि ये जो कंट्रीज है मूवीज में देखते रहते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी इजिली माइंड में आ जाए, ठीक है बच्चों? आई होप आपको इससे समझ में आया होगा और आपको हेल्प किया जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पे G7 कंट्रीज के नाम जो है बेसिकली पूछ लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2023 है ना, 2023 का जो जी समिट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो बच्चों, इस जो ये वाला समिट है उसको जापान ने होस्ट किया था, ठीक है? जापान ने होस्ट किया था, ठीक है, कब से लेके, 19 से लेके 21 मई के बीच में, हिरोशिमा में, ठीक है बच्चों? चलो, थैंक यू।